हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस स्वागत है आप सभी का अरिथमेटिक रिवीजन के सीरीज में। ये क्लास नंबर 11 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक अरिथमेटिक रिवीजन नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे सभी क्लासेस अवेलेबल है गाइस, एंड वहाँ पे हम एवरीडे 10 to 15 क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपकी एवरीडे एवरी टॉपिक पे एक ना एक क्वेश्चन पे रिवीजन होती जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ए बी आर इन द रेशियो 20:21। तो यहाँ पे ए एंड बी की रेशियो क्या हो जाएगी गाइस, यहाँ पे 20:1, यहाँ पे 21 हो जाएगी। अब आगे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए टू सी इज 8:9। तो यहाँ पे ए एंड सी का रेशियो क्या हो जाएगा वेट का, यहाँ पे 8:9 हो जाएगा। तो एक बार यहाँ पे ए 20 है, एक बार यहाँ पे ए 8 है, तो इन दोनों को हमें इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है, इन तीनों को कंबाइन करना होगा। तो यहाँ पे 20 एंड 8 का एलसीएम क्या आता है, मतलब 20 के टेबल में भी वो नंबर आना चाहिए एंड यहाँ पे 8 के भी टेबल में वो नंबर आना चाहिए। तो 20 एंड 8 का एलसीएम यहाँ पे 40 आता है, मतलब यहाँ पे 22 40 आता है एंड यहाँ पे 8 5 40 आता है। तो अगर मुझे 8 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मुझे 9 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 20 को 2 से करना पड़ेगा तो यहाँ पे 21 को भी 2 से करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे ए बी एंड यहाँ पे सी की रेशियो क्या मिल जाएगी वेट की, तो यहाँ पे ए इज टू बी इज टू सी क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 20 × 2 क्या आता है गाइज, यहाँ पे 40 आता है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 40 हो जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ पे 21 × 2 मतलब क्या हो जाएगी, यहाँ पे 42 हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे सी की वैल्यू 9 × 5 मतलब क्या हो जाएगी, यहाँ पे 45 हो जाएगी। अब गाइज आगे पढ़ते, आगे क्या बोला है, इफ द सम ऑफ वेट ऑफ ए एंड सी इज 170 kg, ठीक है। तो यहाँ पे ए का वेट कितना है, यहाँ पे 40 यूनिट है, सी का वेट कितना है, यहाँ पे 45 यूनिट है। तो यहाँ पे ए प्लस सी की सम क्या आ जाएगी गाइज, ए प्लस सी की सम यहाँ पे 85 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। बट गाइज यहाँ पे ए प्लस सी की सम क्या बोला है, यहाँ पे 170 kg बोला है। तो यहाँ पे 85 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 170 kg हो जाएगी, ठीक है, 170 kg हो जाएगी। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 2 kg हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या बोला है गाइज, फाइंड द सम ऑफ द वेट ऑफ बी एंड सी। तो हमें बी एंड सी का सम निकालना है, इसका मतलब यहाँ पे 42 यूनिट एंड यहाँ पे 45 यूनिट का सम क्या आएगा, यहाँ पे 42 + 45 क्या आएगा गाइज, यहाँ पे 87 यूनिट आएगा। एंड यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या है, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 2 kg है। तो यहाँ पे 87 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 87 × 2 आ जाएगी, ठीक है। 90 में से मुझे 6 कम करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 184 kg हो जाएगा। तो यहाँ पे बी प्लस सी की सम क्या आ जाएगी, यहाँ पे 184 kg आ जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे बोला है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज बाय 20% इन द फर्स्ट ईयर, 25% डिक्रीज इन द सेकंड ईयर, 33.33% इंक्रीज इन द थर्ड ईयर। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 3 years इज दिस, फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। अब गाइस यहाँ पे कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि कुछ परसेंट से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फिर कुछ परसेंट से यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, फिर कुछ परसेंट से यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, फिर कुछ परसेंट से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज इंक्रीज, ऐसा कुछ भी आता होगा गाइस, मतलब यहाँ पे सक्सेसिव है। तो सक्सेसिव का फार्मूला क्या लगाना है गाइस, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में क्या बोला है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ईयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड ईयर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड ईयर हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में क्या है, यहाँ पे 20% का इंक्रीज है, 20% का इंक्रीज है, 20% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/5 होती है, इसका मतलब यहाँ पे 5 यूनिट पे 20% का इंक्रीज, मतलब यहाँ पे 1 यूनिट का इंक्रीज। तो यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, यहाँ पे 5 से 1 यूनिट का इंक्रीज, मतलब वो यहाँ पे 6 यूनिट बन जाएगी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है, सेकंड ईयर में 25% का डिक्रीज, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, यहाँ पे 1/4 होती है, मतलब यहाँ पे अगर इनिशियल 4 वैल्यू होगी तो 1 यूनिट का डिक्रीज, मतलब वो बन के यहाँ पे 3 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे 33.33% का इंक्रीज बोला है, 33.33% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3, इसका मतलब यहाँ पे 3 पे 1 यूनिट का यहाँ पे इंक्रीज बोला है, इसका मतलब इनिशियल अगर 3 होगा तो 1 यूनिट का इंक्रीज, मतलब वो बढ़ के यहाँ पे फाइनल 4 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गई मुझे रेशियो, तो यहाँ पे मुझे रेशियो मिल गई 3:4 की मिल गई। तो सक्सेसिव मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो जो कट होता है उसे कट कर दीजिए गाइज। तो यहाँ पे 4 कट हो रहा है दोनों जगह पे, तो यहाँ पे मैं 4 एंड यहाँ पे 4 कट कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कट हो रहा है तो यहाँ पे दोनों जगह पे 3 कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे फाइनल रेशियो क्या मिल जाएगी गाइज मुझे, यहाँ पे फाइनल रेशियो मुझे यहाँ पे 5:6 की मिल जाएगी, मतलब यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कितनी थी, 5 यूनिट थी, एंड यहाँ पे थर्ड ईयर के बाद वो पॉपुलेशन क्या बन गई गाइज, यहाँ पे 6 यूनिट बन गई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 3 years इज दिस, इसका मतलब यहाँ पे 3 ईयर के बाद कितनी है, यहाँ पे 6 यूनिट है, बट यहाँ पे क्या बोला है, 3 यूनिट के बाद कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट के बाद यहाँ पे 8 2 3 8 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 1 6
दो बचा सिक्स थ्री जा, यहाँ पे फोर बचा थ्री बचा सिक्स सेवन जा, वन बचा एट बचा ठीक है, यहाँ पे सिक्स थ्री जा एंड यहाँ पे सिक्स वन जा ठीक है। तो हमें क्या बोला है, फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। तो यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी, फाइव यूनिट थी ठीक है। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई, एक यूनिट की वैल्यू ये मिल गई। तो फाइव यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, इसके पीछे जीरो लगा के दो से डिवाइड कर दो ठीक है। तो यहाँ पे वन थ्री सेवन थ्री वन जीरो लगा के दो से डिवाइड कर दो, इसका मतलब फाइव से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक है। अब गाइस यहाँ पे दो से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे बेसक बारह मतलब यहाँ पे वन सेवन, बेआटी सोलह मतलब यहाँ पे वन थ्री, बेसक बारह मतलब यहाँ पे बे पाची दहा मतलब यहाँ पे एंड बे पाची दहा ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते, तो यहाँ पे क्या बोला है, अ मैन बाइज टू बास्केट एंड देयर कॉस्ट प्राइस आर इन द रेशियो 4:7। तो यहाँ पे बास्केट वन होगी एंड यहाँ पे बास्केट टू होगी, तो उनके कॉस्ट प्राइस की यहाँ पे रेशियो क्या है, यहाँ पे 4:7 है ठीक है। अब आगे क्या बोला है, इफ ही सेल्स देम ऑन द 10% प्रॉफिट ईच। तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर मैं यहाँ पे 40 एंड यहाँ पे 70 लूंगा तो यहाँ पे क्या बोला है, उनकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, यहाँ पे दोनों पे यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हुआ है बोला है। अब यहाँ पे 40 की चीज पे 10% का प्रॉफिट, मतलब 40 का 10% क्या होता है, यहाँ पे 4 यूनिट का प्रॉफिट, 4 यूनिट का प्रॉफिट मतलब उसने वो चीज कितने में बेची होगी, यहाँ पे 44 में बेची होगी। एंड 70 का 10% क्या होता है गाइस, यहाँ पे 70 का 10% यहाँ पे 7 होता है, इसका मतलब यहाँ पे 70 पे 7 यूनिट का प्रॉफिट, मतलब उसने वो चीज यहाँ पे 77 यूनिट में बेची होगी ठीक है। अब आगे क्या बोला है, इफ ही अर्न टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹33। अब यहाँ पे उसने 4 यूनिट प्रॉफिट कमाया एंड यहाँ पे उसने यहाँ पे 7 यूनिट प्रॉफिट कमाया, तो ओवरऑल प्रॉफिट उसने कितना कमाया गाइस, यहाँ पे 11 यूनिट का कमाया है ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला है, उसने तो यहाँ पे ₹33 का प्रॉफिट कमाया, तो यहाँ पे 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे ₹33 हो जाएगी। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे ₹3 हो जाएगी ठीक है। अब आगे क्या बोला है, व्हाट विल बी द हिज ओवरऑल प्रॉफिट इफ ही सेल द फर्स्ट बास्केट ऑन 10% लॉस एंड सेकेंड बास्केट ऑन 14.28% का लॉस ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि उसका यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा जब वो यहाँ पे फर्स्ट बास्केट यहाँ पे 10% के लॉस से बेचता है। तो यहाँ पे बास्केट वन का सीपी कितना था, यहाँ पे 40 यूनिट था एंड यहाँ पे बास्केट टू का सीपी कितना था, यहाँ पे 70 यूनिट था। अब यहाँ पे उसे 10% के लॉस से बेचना है, इसका है मतलब 10% का लॉस मतलब उसे वो चीज यहाँ पे 36 में बेचनी होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 यूनिट का लॉस करना पड़ेगा ठीक है। अब गाइस आगे क्या बोला है, यहाँ पे सेकेंड बास्केट पे यहाँ पे 14.28% का प्रॉफिट करना है, इसका मतलब यहाँ पे 1/7 यूनिट का प्रॉफिट। बट यहाँ पे सेकेंड बास्केट की यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है, 70 है, इसका मतलब यहाँ पे 70 पे यहाँ पे 10 यूनिट का प्रॉफिट करना होगा, मतलब उसे वो चीज यहाँ पे 80 में बेचनी पड़ेगी ठीक है। तो हमें क्या निकालना है गाइस, यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे लॉस कितने का हो गया, यहाँ पे 4 यूनिट का लॉस हो गया एंड यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो गया, यहाँ पे 10 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट कितना क्या हो गया, यहाँ पे +10 -4 क्या आता है, यहाँ पे +6 आता है। तो यहाँ पे +6 यूनिट का ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। बट यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू ₹3 है। तो यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, यहाँ पे 6 × ₹3 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे ₹18 हो जाएगी। तो उसे ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो गया, यहाँ पे ₹18 का हो गया ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते, तो यहाँ पे क्या बोला गाइस, अनुज सुरेश एंड अर्पित आर 3 फ्रेंड्स व्हाइल अनुज इज 4 ईयर यंगर देन सुरेश। तो यहाँ पे अनुज क्या होगा गाइस, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे जो अनुज है ये क्या है, 4 ईयर से यंगर है, इसका मतलब अनुज को मुझे 4 ईयर दे देने पड़ेंगे तब जाके वो यहाँ पे सुरेश के बराबर हो जाएगा। अब आगे क्या बोला, इफ द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ सुरेश एंड अर्पित 4 ईयर एगो वॉज 3:4। तो गाइस यहाँ पे क्या बोला है, अर्पित है ठीक है, तो यहाँ पे मैं अर्पित बना देता हूँ एंड यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे सुरेश है तो यहाँ पे मैं सुरेश बना देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है कि उनके 4 ईयर पहले की रेशियो क्या है, यहाँ पे 3:4 है, मतलब यहाँ पे 3:4 ईयर में अगर मैं यहाँ पे 4 ईयर ऐड कर दूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे 4 ईयर ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, इनकी प्रेजेंट एज मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट एज से 4 ईयर पहले क्या है, इनकी रेशियो 3:4 है। तो यहाँ पे 3:4 के रेशियो में अगर मैं यहाँ पे 4 ईयर ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइज, यहाँ पे उनकी प्रेजेंट एज मिलेगी ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट एज बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला गाइज, यहाँ पे उनकी रेशियो 8 ईयर के बाद क्या होगी, यहाँ पे 4:5 होगी। तो यहाँ पे उनकी रेशियो यहाँ पे प्रेजेंट एज से 8 ईयर के बाद क्या होगी गाइज, यहाँ पे ++8 बना दूंगा तो क्या होगी, यहाँ पे 4:5 होगी। तो यहाँ पे 4:5 होगी ठीक है। तो हमें क्या निकालना है गाइस, यहाँ पे फाइंड द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ अनुज एंड अर्पित 4 ईयर हेंस। तो यहाँ पे 4 साल के बाद अनुज एंड अर्पित की हमें रेशियो निकालनी है ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा होगा, अगर यहाँ पे 2020 होगा ठीक है, यहाँ पे 2020 होगा, तो यहाँ पे 4 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 2024 होगा ठीक है। फिर 8 साल बाद यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2032 होगा ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे 2020 से 2032 तक यहाँ पे कितने ईयर का इंक्रीज हो गया,
यहाँ पे 4+8 मतलब यहाँ पे 12 ईयर का इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 12 ईयर का इंक्रीज हो गया दोनों जगह पे, तो यहाँ पे भी 12 ईयर का इंक्रीज दिख रहा है एंड यहाँ पे भी 12 ईयर का इंक्रीज दिख रहा है। तो अगर गाइज यहाँ पे 2020 में आप हो एंड आपका भाई होगा, तो आप दोनों के एज के बीच में अगर डिफरेंस यहाँ पे 2 ईयर का होगा, तो 2032 में भी वो डिफरेंस यहाँ पे 2 ईयर का ही रहेगा। तो गाइज यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2020 में, यहाँ पे डिफरेंस तो 1 यूनिट का है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी 2032 में डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे भी 1 यूनिट का है। इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशन एस्टेब्लिश है। अगर यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं था, अगर यहाँ पे डिफरेंस आता, तो हमें दोनों इक्वल करने पड़ते, तो यहाँ पे भी 1 यूनिट है एंड यहाँ पे भी 1 यूनिट है। तो गाइज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 से वैल्यू क्या हो गई, 3 से वैल्यू यहाँ पे 4 बन गई। इसका मतलब यहाँ पे 1 यूनिट का इंक्रीज हो गया, बट यहाँ पे कितने यूनिट का इंक्रीज है, यहाँ पे 12 साल का इंक्रीज है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 12 ईयर हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड गाइज यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 4 से वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4 से वैल्यू 5 हो गई। इसका मतलब यहाँ पे 1 यूनिट का इंक्रीज हो गया, बट यहाँ पे इंक्रीज कितने का है, यहाँ पे 4 ईयर एंड यहाँ पे 8 ईयर मतलब 12 ईयर का इंक्रीज है। तो यहाँ पे भी 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 12 ईयर हो गई। तो अगर गाइज यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 12 ईयर है, तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 36 ईयर हो जाएगी। एंड यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 48 ईयर हो जाएगी। बट ये यहाँ पे प्रेजेंट एज है क्या, नहीं है। प्रेजेंट एज तो ये है, मतलब यहाँ पे इसमें मुझे 4-4 ईयर ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके मुझे यहाँ पे प्रेजेंट एज मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4-4 साल ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 40 ईयर मिलेगी एंड यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 52 ईयर मिलेगी। तो ये 40 एंड 52 क्या है, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हमें क्या बोला है गाइस यहाँ पे, तो यहाँ पे अर्पित की प्रेजेंट एज क्या है, यहाँ पे 40 ईयर है एंड यहाँ पे सूरज की प्रेजेंट एज क्या है, सूरज की प्रेजेंट एज यहाँ पे 52 ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 52 ईयर ऐड कर दूंगा, तो मुझे अनुज की प्रेजेंट एज क्या मिलेगी गाइस, अनुज की प्रेजेंट एज मुझे 48 ईयर मिलेगी, ठीक है। तो अनुज की प्रेजेंट एज अगर यहाँ पे 48 ईयर है एंड यहाँ पे अर्पित की प्रेजेंट एज क्या है, अर्पित की प्रेजेंट एज यहाँ पे 40 ईयर है। तो मुझे यहाँ पे अनुज की प्रेजेंट एज एंड यहाँ पे अर्पित की प्रेजेंट एज का यहाँ पे रेशियो निकालना है, बट कब, ये 4-4 साल के बाद में निकालना है, ठीक है। तो 4 साल बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पे 52 हो जाएगी एंड यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे 54 हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 13 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 11 मिलेगा। तो यहाँ पे 13:11 की रेशियो मिल गई मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 13:11 की रेशियो मिल गई, जो कि यहाँ पे अनुज एंड अर्पित की रेशियो है, जो कि 4 साल के बाद की है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो गाइज यहाँ पे क्या दिया है, द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ABC 17 ईयर। इसका मतलब यहाँ पे A+B+C की सम क्या होगी गाइज, यहाँ पे 17 × 3 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 51 हो जाएगा। ये मैंने कैसे निकाला गाइज, यहाँ पे सम ओवर एन का फार्मूला क्या होता है, सम ओवर एन मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। तो एवरेज कितनी है, यहाँ पे 17 है। सम कितनी है गाइज, यहाँ पे A+B+C है, ठीक है। तो यहाँ पे A+B+C एंड यहाँ पे एन मतलब क्या है, यहाँ पे कितने नंबर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 3 लोग दिख रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3। तो 3 को मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पे A+B+C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17 × 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 51 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एवरेज का फार्मूला है, जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, अगली बार से यहाँ पे डायरेक्ट लिखते जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, यहाँ पे A+B+C क्या मिल गया, 51 मिल गया। अब आगे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस 9 ईयर लेटर इज यहाँ पे 6:4:3। तो गाइज यहाँ पे 9 साल के बाद इनकी यहाँ पे एज की रेशियो क्या है, यहाँ पे 6:4:3 है। इसका मतलब गाइज इनकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, ए की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी गाइज, एंड यहाँ पे बी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी एंड यहाँ पे सी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे ए की प्रेजेंट एज क्या होगी गाइज, यहाँ पे 9 साल बाद उसका रेशियो क्या है, 6 है। तो 9 साल बाद अगर यहाँ पे 6 यूनिट है उसकी एज, तो 9 साल पहले क्या हो जाएगी, मतलब प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 यूनिट माइनस यहाँ पे 9 ईयर हो जाएगी, ठीक है। बी की प्रेजेंट एज क्या है, बी की प्रेजेंट एज कैसे निकाल सकते हैं, 9 साल बाद उसकी एज क्या है गाइज, यहाँ पे 4 यूनिट है। 9 साल बाद अगर उसकी एज यहाँ पे 4 यूनिट होगी, तो यहाँ पे उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, यहाँ पे 4 यूनिट माइनस 9 ईयर होगी। एंड गाइज यहाँ पे सी की प्रेजेंट एज कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे 9 साल बाद उसकी एज क्या है, यहाँ पे 3 यूनिट है। 9 साल बाद अगर उसकी एज 3 यूनिट है, तो 9 साल पहले मतलब यहाँ पे उसकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी गाइज, यहाँ पे 3 यूनिट माइनस 9 ईयर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों की सम क्या आ जाएगी, मतलब यहाँ पे A+B+C क्या आ जाएगा, यहाँ पे A+B+C तो यहाँ पे 51 है, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट एज क्या है, यहाँ पे 51 है तीन तीनों की। तो यहाँ पे 6 यूनिट प्लस 4 यूनिट 10 यूनिट प्लस यहाँ पे 3 यूनिट, यहाँ पे 13 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे माइनस का 9 एंड यहाँ पे -9 मतलब यहाँ पे -27 ईयर हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 51 मिल जाएगा।
तो यहाँ पे 13 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी गैस, यहाँ पे 51 प्लस यहाँ पे 27 क्या आता है, यहाँ पे 78 ईयर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी गैस, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 6 ईयर मिल जाएगी। तो यहाँ पे वन यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई, वन यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 6 ईयर मिल गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट एज बी की कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे 4 यूनिट माइनस 9 ईयर क्या हो जाएगी, बी की प्रेजेंट एज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 6 ईयर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 × 6 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 ईयर हो जाएगी। एंड 24 ईयर माइनस 9 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे बी की प्रेजेंट एज मिलेगी। तो बी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, यहाँ पे 24 माइनस 9 मतलब यहाँ पे 15 ईयर हो जाएगी बी की प्रेजेंट एज, ठीक है। एंड यहाँ पे सी की प्रेजेंट एज कैसे निकाल सकते हैं, सी की प्रेजेंट एज क्या है, यहाँ पे 3 यूनिट माइनस 9 ईयर है, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 6 ईयर, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 ईयर हो जाएगा। एंड यहाँ पे 18 ईयर माइनस यहाँ पे 9 ईयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 ईयर हो गया। तो यहाँ पे बी की प्रेजेंट एज एंड सी की प्रेजेंट एज, तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों की एवरेज निकालने को बोला है, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे एवरेज मिलेगा। तो यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पे 15 क्या आता है, यहाँ पे 24 आता है, 24 अपॉन 2 क्या आता है, यहाँ पे 12 आता है। तो यहाँ पे एवरेज क्या मिल गया गाइज, मुझे यहाँ पे एवरेज मिल गया, मुझे यहाँ पे 12 ईयर मिल गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्या बोला है, द एवरेज एज ऑफ एक्स वाई एंड जेड 5 ईयर के बाद क्या होगी, यहाँ पे 25 ईयर होगी। मतलब यहाँ पे उनकी प्रेजेंट एज अगर एक्स होगी, वाई की वाई होगी एंड जेड की जेड होगी, तो 5 ईयर के बाद एक्स की एज क्या होगी, यहाँ पे एक्स प्लस 5 ईयर होगी। यहाँ पे y की 5 ईयर के बाद एज क्या होगी, y प्लस 5 ईयर होगी। यहाँ पे z की 5 ईयर के बाद एज क्या होगी, यहाँ पे z प्लस 5 होगी, ठीक है। तो 5 ईयर के बाद उनका एवरेज क्या है बोला है गाइस, यहाँ पे 25 है बोला है। तो यहाँ पे सम और मैं यन कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एवरेज मिलेगा। तो एवरेज कितना है, यहाँ पे 25 है। अगर मैं 3 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे सम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25 × 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 75 हो जाएगा। तो इनकी सम क्या मिल गई गाइस, मुझे यहाँ पे 75 मिल गई। तो यहाँ पे x प्लस y प्लस z क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x प्लस y प्लस z प्लस 15 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 75 मिल जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस y प्लस z क्या मिल जाएगा गाइस, x प्लस y प्लस z यहाँ पे 60 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन दोनों की सम क्या मिल गई, यहाँ पे 60 मिल गई। अब आगे क्या बोला गाइस यहाँ पे, एंड द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ y एंड z। तो यहाँ पे y एंड z का रेशियो क्या है, y एंड z का रेशियो यहाँ पे 6:5 है। अब आगे क्या बोला है, एज ऑफ x इज 4 ईयर लेस देन दैट ऑफ z। तो यहाँ पे x की एज क्या होगी, यहाँ पे 4 ईयर कम होगी, तो मुझे x को यहाँ पे 4 ईयर देने पड़ेंगे तब जाके वो z के एज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल टू z मिल गया। तो गाइज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या मिल गया, मुझे z मिल गया। तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे जगह बन जाए। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, आगे क्या बोला है आपको, फाइंड द एवरेज एज ऑफ एक्स एंड वाई 3 ईयर एगो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा गाइज, यहाँ पे मुझे जेड की वैल्यू पता है, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 यूनिट है। तो यहाँ पे अगर मैं 5 यूनिट रख दूंगा एंड 4 मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी गाइज मुझे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज, यहाँ पे 5 यूनिट माइनस यहाँ पे 4 ईयर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 5 यूनिट माइनस यहाँ पे 4 ईयर लिख दूंगा, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या है गाइज, वाई की वैल्यू यहाँ पे 6 यूनिट है। तो यहाँ पे वाई की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 6 यूनिट लिख दूंगा। एंड जेड की वैल्यू क्या है, 5 यूनिट है। तो यहाँ पे जेड की जगह पे मैं 5 यूनिट बना दूंगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मुझे 6 मिलेगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 5 प्लस 5 क्या आता है, यहाँ पे 10 यूनिट, 10 यूनिट प्लस 6 यूनिट क्या आता है, यहाँ पे 16 यूनिट आता है, ठीक है। एंड ये जो माइनस का 4 ईयर है मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो यहाँ पे 60 ईयर प्लस 4 ईयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 64 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 64 ईयर, तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 64, यहाँ पे 4 ईयर हो गए। एक यूनिट की वैल्यू अगर 4 ईयर है तो यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 24 ईयर हो जाएगी। एंड यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 4 मतलब 20 ईयर हो जाएगी, ठीक है। तो जेड की एज क्या मिल गई, मुझे 20 ईयर मिल गई। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ एक्स एंड वाई 3 ईयर एगो। तो यहाँ पे वाई की एज क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट एज यहाँ पे 21 ईयर है। तो वाई की एज 3 ईयर एगो क्या हो जाएगी गाइज, यहाँ पे 21 ईयर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 21 ईयर वाई की एज हो गई। अब गाइज आपको एक्स की एज निकालनी है। तो यहाँ पे वाई की एज क्या है गाइज,
वाई की एज तो यहाँ पे 20 ईयर है, तो वाई की जगह पे मैं यहाँ पे 20 बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 एंड ये 4 में इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 20 माइनस 4 मिलेगा, तो एक्स की प्रेजेंटेज क्या मिलेगी गाइज, यहाँ पे 16 ईयर मिलेगी, ठीक है। तो एक्स की प्रेजेंटेज अगर यहाँ पे 16 ईयर होगी तो 3 साल पहले इसकी एज क्या होगी, यहाँ पे 13 ईयर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की 3 साल पहले क्या एज है, यहाँ पे 13 ईयर है, एंड यहाँ पे वाई की 3 साल पहले एज क्या है, यहाँ पे 21 ईयर है, ठीक है। तो आपको रेशियो क्या मिल गया गाइज, यहाँ पे 13:21 का मिल गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो गाइज आज हमने सभी 5 to 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सियाराम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।